हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनीट 1.0। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर में, मतलब पार्ट फर्स्ट में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स होते क्या है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, ये सब चीजें हम सुनते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी ये वाली चीज कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन्स, उनमें आता है। अब प्रोटीन अब बड़ा यूनिट है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा छोटा होगा जिस छोटे छोटे से मिलके वो बना हुआ होगा। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे प्रोटीन बना है। तो प्रोटीन्स होती क्या है? हेट्रोपॉलीमर है अमाइनो एसिड के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मोनोमर यूनिट है प्रोटीन्स की वो क्या है? अमाइनो एसिड मींस या अमीनो एसिड। तो क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब दो टर्म आते हैं यहाँ पे, होमो या हेट्रो। जैसे कि मैं पहले भी कुछ लेक्चर में बता चुकी हूँ, बार बार ये टर्म यूज होते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, मतलब सेम पॉलीमर, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो जो अमीनो एसिड होंगे वो एक प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड होंगे। अमीनो एसिड के जैसे नाम आपने सुने होंगे, ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। तो ये सब अमीनो एसिड्स होते हैं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ये सब होते हैं हमारे अमीनो एसिड। तो ऐसे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला मिला के प्रोटीन्स बनते हैं। जब एक अमीनो एसिड है तो वो दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो प्रोटीन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होता है कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है अमीनो एसिड के। तो डिफरेंट डिफरेंट के अमीनो एसिड मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और क्या बन जाता है? हमारा प्रोटीन बन जाता है। तो यही चीज दे रखी है, जैसे तीसरी लाइन में जो चीज दे रखी है कि लीनियर प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि मैंने अभी बताया। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। तो अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, तब प्रोटीन्स बनते हैं। तो वो जुड़ते किसके थ्रू है? एक बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन से मिलके भी बनते हैं ये। तो एक प्रोटीन बन गया, एक प्रोटीन की चेन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके। अब जैसे प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें, जो बहुत ज्यादा अवंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, तो जैसे कोलाजिन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन है। कोलाजिन का नाम आपने सुना हुआ होगा। तो बहुत ज्यादा अवंडेंट प्रोटीन है, लेकिन एनिमल्स में मिलता है ये। एनिमल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, एनिमल्स जो होते हैं उनमें कोलेजिन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। वहीं अगर हम प्लांट की बात करें, तो बायोस्फीयर में प्लांट्स, अगर कैटेगरी की हम एक तरीके से बात करते हैं, तो प्लांट्स में जो मिलता है, मतलब बायोस्फीयर में एक तरीके से वो मिलता है, जैसे रूबिस्को आपने देखा हुआ, राइबुलेज, बाइफॉस्फेट, कार्बोऑक्सीलेज, ऑक्सीजनेज, एंजाइम। एंजाइम होता है ये एक तरीके का, जो कि प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन्स मतलब एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। और भी होते हैं, और भी तरीके के होते हैं एंजाइम्स। तो ये एक क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि बायोस्फीयर में, मतलब वैसे तो हम जैसे C3 और C4, C3 साइकिल जो पढ़ते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो ये वाला जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अवंडेंट अमाउंट में मिलता है बायोस्फीयर में, और कोलाजिन एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो अब ये प्रोटीन क्लियर हो गया। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं, और वो किसके थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और दो एग्जांपल हो गए, एक कोलाजिन हो गया जो कि एनिमल वर्ल्ड में मिलता है, बहुत ज्यादा अवर्नेंट है, और दूसरा हो गया रूबिस्को। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोटीन्स के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अमीनो एसिड के बारे में जान लेते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या है। अमीनो एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक तरीके से क्या होता है, जैसे मीथेन होता है ना, CH4 करके, उसके सब्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। जैसे हमने मतलब कार्बन की क्या हो जाती है, चार बॉन्ड होते हैं। कार्बन जो शेयर करता है वो चार बॉन्ड शेयर करता है, तो क्या होता है? CHHHH हो जाता है चारों साइड, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक एच हटा दिया तो उसकी जगह कुछ और लगा दिया, एक एच हटा दिया तो उसकी जगह कुछ और लगा दिया, और एक एच हटा दिया तो उसकी जगह कुछ और लगा दिया, तो इस तरीके से क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं एक तरीके से ये। और जो कार्बन होता है ना, जिससे ये चार बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अब ये अमीनो एसिड अगर इस मीथेन से बन रहा है, अल्फा कार्बन के थ्रू अमीनो एसिड बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स। अब बेसिकली जो क्या स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, ये मैं बताती हूँ। जैसे क्या हो जाता है, जैसे मीथेन की, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन की बात की यहाँ पे, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। उसमें क्या होता है, जैसे चार हो गए, चार बॉन्ड के साथ शेयर करती है ये, बैलेंस इसकी फोर होती है। तो मीथेन में क्या होता है, चार हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यही, अब इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोला है, तो अभी इसी मीथेन में क्या करते हैं, एक एच को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लगा देते हैं, अमीनो ग्रुप लगा देते हैं, और राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं, NH2 वाला ग्रुप, NH2 प्लस करके लिखते हैं इसको, और COO नेगेटिव करके लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो नीचे हो जाता है, ये हो जाता है साइड चेन, आर आर की जगह हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब में कॉमन रहता है अमीनो एसिड में। जो चेंज होता है ना, वो ये साइड चेंज जो है ना, आर ग्रुप, ये चेंज होता है हर एक अमीनो एसिड में, और इसी के बेसिस पे अलग अलग अमीनो एसिड जो है वो बनते जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर वाला तीन जो है, ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, एक अमीनो ग्रुप रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक। ये सारे अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर जो है कॉमन रहेगा। चेंज क्या होता है, साइड चेन, मतलब आर ग्रुप चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हमने फिनॉल लगा दिया, या फिर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, या OH ग्रुप लगा दिया डायरेक्ट हमने, तो इस तरीके की, या फिर कोई चेन बना दी, तो इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड जो है वो बनते जाते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर शो नहीं किए हैं, लेकिन इस वाली स्लाइड में जो दे रखा है, अमीनो एसिड्स वाली में यही सब चीजें दे रखी हैं, कि कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। एक साइड अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लगा हुआ होता है कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक, और वेरिएबल आर ग्रुप। मतलब हर एक अमीनो एसिड में क्या चेंज होता है, आर ग्रुप के बेसिस से ही अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अमीनो एसिड जो एग्जिस्ट करते हैं, वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है, कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये चीज है, जैसे अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है लो पीएच पे, लो पीएच क्या हो गया, 7 से नीचे, और हाई पीएच जब होता है, मतलब 7 से ऊपर, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, कि पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है हमें और नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है एक टाइम पर ही, उसको हम बोल देते हैं ज्विटर आयन। इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। अब क्या होता है इसमें, जैसे अमीनो ग्रुप की जो नंबरिंग होती है ना, वो इधर एन ग्रुप से शुरू होती है। जैसे ये 1 हो जाएगा, फिर इससे जुड़ा हुआ होगा एन एच, तो ये जो एन एच ओ एच के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, जैसे ये तो एक अमीनो एसिड हो गया कोई भी, ठीक है। अब दूसरा अमीनो एसिड भी ऐसे ही होगा, तो ये वाला साइड होगा एक, और ये वाले साइड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एन वाला साइड इधर आएगा, और ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से लीनियर चेन में क्या होता है, अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, और वही जब स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो ये होता है प्रोटीन। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अमीनो एसिड होते क्या हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, मतलब हमें बेसिक एक इन्फॉर्मेशन मिल गई इन दोनों चीजों के बारे में, कि प्रोटीन्स क्या है और अमीनो एसिड्स क्या है। अब आगे जो हम बात करते हैं, वो दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और एक होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो कि हम जो खाना खाते हैं ना उसके थ्रू मिलते हैं हमें, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो हमें वो अपने फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू लेने ही होते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाते हैं, वेलिन हो गया, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन एंड थ्रियोनिन। तो ये सब क्या है,
असेंशियल टाइप के अमीनो एसिड है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ही अंदर बनते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनी, एस्पारेजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, प्रोलीन एंड टायरोसिन। ये सब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ये नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड जैसे अगर हम उसके चार्ज के बेस पे बात करें तो कुछ अलग टाइप के भी हो जाते हैं, जैसे बेसिक हो गए, एसिडिक हो गए, न्यूट्रल हो गए। मतलब आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आर ग्रुप है उसकी जगह बेसिक की चेन ज्यादा है या एसिडिक है, या मतलब या तो NH2 ग्रुप ज्यादा होगा या COH ग्रुप ज्यादा होगा। न्यूट्रल मतलब दोनों सेम अमाउंट में, कि एक ही अमाइनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो बेसिक में जैसे लाइसिन हो जाता है, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड हो गया, न्यूट्रल में वेलिन हो जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आर ग्रुप के ऊपर, आर ग्रुप हमारा किस टाइप का है। अब कुछ ऐसे होते हैं अमीनो एसिड जिनके पास ना एरोमेटिक साइड चेन होती है, जैसे जो आर है ना उसकी जगह एरोमेटिक रिंग होगी, जैसे बेंजीन हो जाती है, फिनॉल हो जाता है, इस तरीके से। तो उसके बेसिस पे तीन तरीके के हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। आप लोग अगर इन सब अमीनो एसिड्स के बारे में जानना चाहते हो तो इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो आप गूगल करके। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन हमने पढ़ लिया क्या होता है, अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, एक लंबी सी चेन बना लेते हैं जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अमीनो के बारे में हमने ये पढ़ लिया, अमीनो एसिड के बारे में। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अब किसके बेसिस पे होता है ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हमने प्रोटीन्स को डिवाइड किया। मतलब टाइप्स बोल सकते हैं या प्रोटीन के स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो किसके चार पार्ट में डिवाइडेड है ये, इस तरीके से प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी से पता चल रहा है बेसिक जो लीनियर चेन होगी प्रोटीन की, अमीनो एसिड एक दूसरे से 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ते रहेंगे सीधे सीधे एक लाइन में, उसको हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि मैंने बताया अमीनो वाला तो जो होता है वो एन वाला, वहां से अमीनो एसिड की चेन स्टार्ट होती है, मतलब वहां से नंबरिंग होती है। जैसे मैंने ये बताया था अभी कि यहाँ से नंबरिंग होगी, ये हो गया इसका एन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और सी वाला जो एंड होता है वो क्या होता है, वो लास्ट पार्ट होता है चेन का। तो जितनी लंबी बनती जाएगी तो पहला वाला हम नेमिंग किसको देंगे, एन, एन साइड से देंगे, तो एन एंड हो गया अमीनो एंड मतलब, और वो दूसरा जो लास्ट वाला हो जाता है वो कार्बोक्सिलिक एंड। तो इस तरीके से होता है, यही सब इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। और वाटर के मतलब, वाटर एक जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप जब जुड़ता है तो वाटर का रिमूवल होता है वहां से, एक वाटर का रिमूवल मतलब डिहाइड्रेशन होती है, तब ये बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है। तो इस तरीके से, तो लीनियर चेन में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो चेन होती है ना लीनियर, एक वही थोड़े से हेलिक्स बना लेती है, हेलिक्स टाइप में बना लेती है, मतलब स्टेयर जैसे चढ़ती है ना वैसे ऐसे बना लेती है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दो उसमें डिवाइडेड है, दो क्लासेस में, मतलब एक तरीके से एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, सिंपल हेलिक्स बना लेती है, जैसे अपनी सीढ़ियां चढ़ती है ना वैसे स्टेयर केस टाइप का, और इसमें क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है बीटा में, बीटा प्लेटेड शीट में, जैसे नाम से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती जाती है मैं इसके। और अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि इस तरीके से होता है। ये तो लीनियर चेन हो गई, जब यही चेन एक दूसरे से जैसे या तो हेलिकल स्ट्रक्चर बना दे तो हेलिक्स हो जाती है, अल्फा हेलिक्स। और ये ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती जाती है अपने थ्रू, के एक चेन ऊपर एक चेन नीचे और ऐसे प्रॉपर शीट बना दी, मतलब दोनों साइड से जुड़ जुड़ा के, वो हो जाती है बीटा प्लेटेड शीट। तो ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये क्लियर हो गया हमारा। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या, अब कैसे फॉर्म होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है दूसरे में, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। अब तीसरी जब बात करते हैं वो करते हैं हम टर्जरी की। अब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब और ज्यादा फोल्ड हो जाता है, एक वूलन का हॉलो बॉल टाइप का बना लेता है, जैसे बॉल टाइप की बन गई एक हॉलो उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, और
3D में दिखाई देता है वो हमें, 3D ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं हम टर्जरी। और इस टर्जरी का एग्जाम्पल जो होता है एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, पर काफी बार पूछ लिया जाता है, मायोग्लोबिन जो होता है मसल्स में जो मिलता है वो टर्जरी का स्ट्रक्चर होता है। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर टर्जरी में बन जाते हैं ना, ये और ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं बॉल लाइक, तीन चार एक साथ ऐसे हो जाते हैं। तो टर्जरी में तो फिर और भी बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे प्राइमरी में हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, सेकेंडरी में पेप्टाइड तो था, हाइड्रोजन और बॉन्ड बढ़ गया, टर्जरी में फिर हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, ये सब बढ़ गए। क्वार्टरनरी में भी फिर और बॉन्ड वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से ना ये जो टर्जरी में बॉल लाइक हॉलो स्ट्रक्चर बना था, ये तीन चार फिर एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो बन जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि मतलब आरबी सॉरी ब्लड में मिलता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का। इसमें क्या होता है, चार सब यूनिट से बना हुआ होता है, दो अल्फा सब यूनिट होती हैं और दो बीटा टाइप की सब यूनिट होती हैं। जैसे कि ये हो गया कि दो, ये जैसे ये स्ट्रक्चर बना था बॉल लाइक हॉलो टर्जरी में, अब यही इस तरीके के तीन चार स्ट्रक्चर एक साथ मिल गए तो क्वार्टरनरी हो गया। क्वार्टरनरी मतलब चार, ये ऐसे चार बॉल मिल गए तो दो इसमें से अल्फा हो जाएंगे और दो हो जाएंगे बीटा। तो इस तरीके से ये हो जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो प्रोटीन्स के बारे में जाना, क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो वाटर के रिमूवल से होता है। दूसरी चीज अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इस तरीके से होता है। और आर जो होता है साइड चेन जो होती है उसके बेसिस से अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं, ये आप चेक कर लेना एक बार गूगल पे जाके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। उसके बाद टाइप के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर।